भारत यारों का यार ऐसे ही नहीं कहा जाता कि इसराइल पर भारत थोड़ी भी आंच नहीं आने देगा। जब जब भारत और इसराइल की दोस्ती बढ़ती है ना, पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई मुश्किल जरूर खड़ी हो जाती है। भारत ने इसराइल को 27 टन गोला बारूद भेजा, लेकिन वो अब स्पेन के रास्ते से ना होकर दूसरे रास्ते से इसराइल पहुंचेगा। और इस वक्त जब चाइना और भारत के दरमियान कशीदगी चल रही है और इस लड़ाई में भारत को पता है कि वक्त पड़ने पर पाकिस्तान तो लाजमी चाइना का साथ देगा, तो इसने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात मजीद मजबूत करने शुरू कर दिए। डिफेंस सेक्टर में अब भारत की एंट्री हो चुकी है और भारत ऐसा देश है जो कभी अपने मित्र देशों पर आंच नहीं आने देगा। इंडिया वॉन्ट्स टू बी अ टॉप एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स टू द वर्ल्ड। और जब अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई कम की तो इसराइल ने भारत को आवाज लगाई और भारत ने बिना देरी किए इसराइल को 27 टन गोला बारूद भेज दिया। उधर इसराइल फलस्तीन पर जुल्म ढाकर ये बताता है कि वो बड़ा दरिंदा है, वो बड़ा दहशतगर्द है। हम तो उस पाकिस्तान में रह रहे हैं कि जहाँ के प्राइम मिनिस्टर को वो यूएसए जाता है तो वो उनकी गवर्नमेंट उसको बरहना कर देती है, कपड़े उतार देते हैं, ये बरहना कर देते हैं। और दूसरे दिन मोदी मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों को शहीद करके बताते हैं कि वो बड़ा दहशतगर्द है और इंसानियत का दुश्मन है। तुम्हारी जितनी भी खुजली है ना, ये 26/11 की और हम अजमल कसाब को भेज, तुम भेजो अजमल कसाब को एक बार फिर से, तुम भेजो, फिर देखना तुम्हारे मुल्क का ऐसा दमादम मस्त कलंदर होगा ना, नंगे पैर नाचोगे सड़क पे तुम। अगर भारत के अंदर कोई एक्शन लेता है, भारत के अंदर कोई आतंकवादी कार्रवाई होती है और पाकिस्तानी कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, पाकिस्तानी कहते हैं नहीं ये बंदा हमारे यहां रहता ही नहीं है, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई हम तो जानते नहीं है कौन है ये आदमी, बिल्कुल दूध का धुला इनोसेंट आदमी है, और भारत के पास सबूत है कि उस आदमी के हाथ खून से रंगे हैं, तो भारत उसको क्यों ना ठोके, ये मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आप कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए भारत क्यों ना ठोके यार, मतलब कोई भी यहां पे आए कुछ भी करके चला जाए और कोई जवाब दे नहीं है, कोई जवाब दे नहीं है। आतंकवादियों का ह्यूमन राइट्स हैं, जो बच्चे मारे गए थे 26/11 में, जो बुजुर्ग महिलाएं मारी गई थी उनका कोई अधिकार नहीं है, सारे अधिकार इन पाकिस्तानी जानवरों के हैं जो आतंकवादी हैं, मैं उनको बोल रहा हूं, सारे अधिकार इनके। तो क्या हुआ अगर भारत ने ठोक दिया, सोचिए बताइए तो क्या हुआ। और मैं ये भी चाहता हूं आप नीचे कमेंट्स में लिखें, क्या भारत को, अगर भारत ये काम कर रहा है, अगर भारत ये काम कर रहा है तो क्या ये कार्रवाई भारत को ऑन रखनी चाहिए कि अज्ञात जाते रहें और पाकिस्तानी आतंकवादियों का नंबर गिरता रहे। आप बताइए आपकी क्या राय है। बड़ा धमकी ये कर देंगे हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, ये है वो है, तो हमारे पास एटम बम है और हमारे पास पाव पाव किलो के बम है और हम गजवाए हिंद और फलाना ढिमका। मोदी जी ने क्या बोला था, स्टेटमेंट सुना है ना आपने मोदी जी का, कह रहा मैं लाहौर गया हूं, इनकी औकात मैंने लाहौर में देखी है, मुझे पता है कितना दम है इनके अंदर। ठोक दिया तुम्हें मोदी ने, बताओ तुम क्या करोगे। ठोक दिया तुम्हारे घर के अंदर घुस के ठोक दिया, और बताओ तुम्हारी जितनी भी खुजली है ना, ये 26/11 की और हम अजमल कसाब को भेज, तुम भेजो अजमल कसाब को एक बार फिर से, तुम भेजो, फिर देखना तुम्हारे मुल्क का ऐसा दमादम मस्त कलंदर होगा ना, नंगे पैर नाचोगे सड़क पे तुम। भेजो तुम, अब भेजो, अब नहीं भेज रहे पाकिस्तानी, अब नहीं कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली की कुर्सी पे इनका बाप बैठा है। जब से मोदी की हुकूमत आई है तब से तो भारत की इसराइल के साथ दोस्ती मजीद गहरी होती जा रही है। भारत ने 2012 से 16 के अरसे में दरामद किए जाने वाले जंगी साजो सामान का 41% जो है वो इसराइल से खरीदा था, और इस साजो सामान में बड़े मौलिक और तबाह कुन हथियार, मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल, तवील फासले पे मार करने वाले मिसाइल और इनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एवैक्स तैयारे, हेरोन ड्रोन और रडार्स और दीगर साजो सामान शामिल था। खरीदो फरोख के साथ साथ इसराइल जो है भारतीय कमांडोज को ट्रेनिंग भी देता रहा। इन दोनों ममालिक के दरमियान कुर्बत और पाकिस्तान मुखालफत की एक बड़ी वजह यह है कि भारत और इसराइल मिलकर कश्मीर के मामले को उसी अंदाज से हल करना चाहते हैं जिस तरह इसराइल ने फलस्तीन का मामला किया, लेकिन ये दोनों जानते हैं कि पाकिस्तान के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फलस्तीन के मसले में इसराइल के मुखालिफ को दूसरा मुल्क तो फरीक था नहीं, जबकि कश्मीर के मसले में पाकिस्तान आलमी सतह पर तस्लीम शुदा फरीक है और एटमी ताकत भी है, और पाकिस्तान भारत से किसी सूरत मरूब को है ही नहीं, बल्कि इसके पास तो यह सलाहियत मौजूद है कि भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। यही वजह है कि भारत, इसराइल और अमरीका ने मिलकर अरब ममालिक को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, क्योंकि ये तीनों ममालिक जानते हैं कि इसराइल के लिए मगरबी एशिया के तीनों मुस्लिम पावर ब्लॉक्स के दरमियान तफरीक का फायदा उठाने का इससे अच्छा तो मौका हो नहीं सकता। टर्की और कतर, ईरान और इराक, सऊदी अरेबिया और मिस्र, अगर इसराइल अमेरिका की मदद से तमाम अरब ममालिक से खुद को तस्लीम करवा लेते
और यहाँ अपने अड्डे कायम कर लेता तो इस खत्ते में इसका असर रसूख बहुत बढ़ जाएगा, अपने ग्रेटर इसराइल बनाने की मदद मिलेगी। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली तजारत 1992 में 20 करोड़ डॉलर से बढ़ के 2011 में तकरीबन 20 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 2010 में भारत दुनिया में इसराइल का छठा बड़ा तजारती शरीक और इसराइल से दरामद करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। 2013 के इब्तदाई 9 माह में दोनों ममालिक के दरमियान अंजाम पाने वाली तजारत की मालियत तकरीबन 25 बिलियन डॉलर थी। अब भारत में सरमायाकारी करने वाले ममालिक में इसराइल का 38वां नंबर है। अब 2011 में, सिर्फ 2011 में आप समझने के भारत ने इसराइल से 60 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी की। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबों में बड़े से मुआहदे मौजूद हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इन दोनों ममालिक का पहला तआवुन 1971 की जंग में आया, जब इसराइल ने ईरान को भेजा जाने वाला अहम तरीन जंगी साजो सामान भारत को फराहम किया। इसके बाद इसराइल ने भारत को कारगिल की जंग में मदद फराहम की, जिसने इसकी नहायत कमजोर हालत को ताकत में बदल दिया। इंडिया टुडे ने अपनी 5 जुलाई 2017 की इशात में खुद ये हैरान कन इंकशाफ किया था कि भारतीय फजाई अपनी जमीनी फौज को पाकिस्तानी पोजिशन के मुतालिक सही मालूम फराहम करने में नाकाम हो रही थी और इसके मिसाइल भी ठीक निशाने पर नहीं लग रहे थे। ऐसी हालत में इसराइल ने भारतीय फजाइया को लेजर गाइडेड मिसाइल फराहम कर दिए, वो तैयारों में लगाए गए, और इन मिसाइल्स की वजह से एच मिराज 2008 जो है उसकी प्रिसिशन बॉम्बिंग होगी। डिफेंस सेक्टर में अब भारत की एंट्री हो चुकी है और भारत ऐसा देश है जो कभी अपने मित्र देशों पर आंच नहीं आने देगा। और जब अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई कम की तो इसराइल ने भारत को आवाज लगाई और भारत ने बिना देरी किए इसराइल को 27 टन गोला बारूद भेज दिया। लेकिन गेम यही नहीं रुका, क्योंकि जिस रास्ते से भारत ने गोला बारूद भेजा वो स्पेन की ओर से जाने वाला रास्ता था। और फिर क्या था, स्पेन ने अपने बंदरगाह पर भारत के गोला बारूद भरे जहाज को रुकने की मंजूरी नहीं दी। लेकिन आज भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि भारत का गोला बारूद अब दूसरे रास्ते से इसराइल पहुंच रहा है। खैर कुछ भी हो, भारत ने दुनिया को बता दिया मित्र धर्म निभाना कभी नहीं छोड़ेगा। ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन चाबहार पोर्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ ईरान। अब जैसे ये खबर आती है यूएस के पीछे से धुएं निकलने शुरू हो जाता है, यूएस पागल हो जाता है। यूएस कहता है हम लगाएंगे अब सैंक्शंस। यूएस के व्हाइट हाउस से भी खबरें आती हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन भी कैमरे पर आकर बड़बड़ करते हैं कि हाँ हम सैंक्शंस लगाएंगे, बड़ी बुरी सैंक्शंस लगाएंगे, इंडिया पर भी सैंक्शंस लगेंगी, जो जो कंट्रीज ईरान के साथ ट्रेड करेंगी बिजनेस करेंगी उन सब पर सैंक्शंस लगेंगी। तो यूएस को पहले ही धक्का आ जाता है, पहले ही उसको हार्ट अटैक आने वाली तबीयत हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अभी एक रिएक्शन जा रहा है अफगानिस्तान का। बहुत बड़ी खबर है कि अफगानिस्तान ने भारत की साइड लेते हुए यूएस को कहा कि यूएस कौन होता है सैंक्शंस लगाने वाला, यूएस को सैंक्शंस नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे अफगानिस्तान का भी बहुत भला होगा। ऑलरेडी अफगानिस्तान इतने ज्यादा क्राइसिस में गिरा हुआ है, सैंक्शंस पे सैंक्शंस अमेरिका उन पर लगाता है, बेचारे सैंक्शंस बर्दाश्त करते हैं। जब से तालिबान हुकूमत आई है तब से अमेरिका ने तो उनकी ऐसी खींच के उनको पीछे से हंटर मारे हैं कि बार बार उन पर सैंक्शंस लगाता है, उनको माननी पड़ती है। तो वो कह रहे हैं कि जरा थोड़ा रहम करें, हम भारत के साथ हैं, हम इस पोर्ट के हक में हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो अफगानिस्तान की गुर्बत रिड्यूस होगी, ट्रेड बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी।